श्री राम मंदिर को लेकर फूट फूट कर रो रहा है पाकिस्तान। भाई मैं आज के वीडियो में दिखाऊंगा कि जब से हमारे भारत देश में अयोध्या राम मंदिर बना है तब से पाकिस्तान जो है फूट फूट कर रो रहा है। मैं उनका दिखाऊंगा रिएक्शन कि क्या बोलते हैं इस मुद्दे पर पाकिस्तानी। लेकिन उससे पहले दुबई शेख का भी बयान आया है। दुबई शेख ने ऐसी बात बोल दी है जो आपको सुननी और देखनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन कि पाकिस्तानी फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं। राम मंदिर जब से बना है भाई पाकिस्तानी बौखलाहट में आ गए हैं। पहले आप उनका देखिए रिएक्शन क्या बोलते हैं पाकिस्तानी। हिंदुइज्म वो उसको अपने मजहब को आगे करे थे, ये तो गलत है। अच्छा। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना। अच्छा, आप कह रहे हो कि मंदिर बनाना गलत है। गलत है। आप क्या कहेंगे, अभी राम मंदिर इंडिया में बना, आपने देखा, इन्होंने सारी बात कर दी है कि हमें जो अपना ईमान है, हमें अपना ईमान मजबूत करना चाहिए। अच्छा। हमारा इस्लाम क्या कहते हैं, इस चीज को हमें मद्देनजर रख के जो भी काम है वो करना चाहिए। तो अब जो अबू धाबी कर रहा है क्या वो इस्लाम को मद्देनजर रख के नहीं कर रहा? अगर कर रहा होता फिर क्यों कर रहा होता? आप देखें कि पूरी पूरी दुनिया में हम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों के साथ अगर इस्लाम को मद्देनजर रखा जाता तो फिर पूरी दुनिया में मुसलमान का ये हाल हो रहा है जो आज हो रहा है। अब जहाँ जहाँ हिंदू ज्यादा होंगे वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें, वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। तो फिर उनको किसका डर है, मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं? उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। अच्छा, मेन चीज ये है। अच्छा। कि उनके दिलों में से अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है। मंदिर वगैरह ये हिंदुस्तान में तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम कंट्री में ये वैसे सही नहीं है। जैसे और जो ये हमारे मुस्लिम है तो ये भी इनका भी और वो होगा। तो ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जो गलत चीज को सिर्फ गलत बोलते हैं लेकिन उसके खिलाफ कुछ वो अमल नहीं करते। जो मुस्लिम है तो उनकी मस्जिदों के अंदर हिंदू आ सकते हैं, जब वो नहीं आ सकते। अब किसी ने पॉइंट किया था, मुझसे पूछा था कि मुस्लिम और हिंदू में क्या फ़र्क है। मैंने कहा हम मुस्लिम हैं क्योंकि हमारा मुल्क है मुस्लिम, तो हम इधर आज़ादी से अपनी वो कर सकते हैं। तो मेरे कुछ जानने वाले हैं वो दूसरे का आउट ऑफ कंट्री में है, तो उधर मस्जिद बहुत ही है, तो उधर की जो आवाज़ है ना स्पीकर वगैरह तो वो बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन गलत क्या है मुझे ये समझ नहीं है। देखो मस्जिद बनाना ठीक है, मंदिर बनाना क्यों गलत? मस्जिद के साथ मंदिर हो तो ये बात ठीक रहेगी। इंडिया में तो है ऐसा, वो हिंदुस्तान है ना। हाँ। ये पाकिस्तान है, ये मुल्क, ये मुसलमानों का वो है। हम अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो हमें तो पेन होगी, लेकिन अगर यही काम हम यहाँ पे कोई पुरानी उनकी बिल्डिंग होती, पुराना मंदिर होता जिसको हम ये क्लेम करते कि ये पहले मस्जिद थी, तो हम भी वही काम करते जो उन्होंने किया। तो ऑब्वियसली जिनके पास पावर होती है वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनको बेटर डिसीजन लग रहा होता है अपनी अपने कंट्री के लिए वो ले लेते हैं। इसमें कोई गलत चीज़ है ही नहीं। बाबरी एक एक मस्जिद है, उस तरह की बेतहाशा मस्जिद हमने माशाल्लाह पाकिस्तान में के अंदर भी उनके मंदिर गिराए हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे मस्जिदें गिराई हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। ये मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बायकॉट करें। अगर हमारे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में अगर कोई गैर मजहब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत करें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए। मेरी तो ये राय है ख्याल से कि इनको जैसे कहते हैं ना वो ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से, वैसे ही देना चाहिए फिर ही। अच्छा। मेरे ख्याल से बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द रिलीजियंस, हमें मजहब से कोई मसला नहीं है। अगर उनका राम मंदिर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट दे आर क्रिटिसाइजिंग द इमोशंस। जैसे कि आपको खुद पता है कि बाबरी मस्जिद का जो एक्ट था और सारे के बाद उन्होंने उसी जगह पर अपनी जो है एक विनिंग सेरेमनी किया कि हमने मुस्लिम्स को, हालांकि आप देखें कि पाकिस्तान से मेजॉरिटी मुस्लिम्स की वहाँ पर ज़्यादा है, तो उनको जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका ख्याल रखते हुए ये चीज़ को फॉलोअप करना चाहिए था कि आप किसी के दूसरे के रिलीजन को जो है ना वो टारगेट ना करें। आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तान फूट फूट कर हो रहा है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते चलते दुबई, दुबई शेख का बयान सुनते हैं। दुबई शेख ने गुस्से में ऐसी कौन सी बात बोल दी है जो आपको देखनी और सुननी बहुत जरूरी है। पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए क्या बोलते हैं दुबई शेख। और मेरे प्यारे भाई लोग एक बात तुम लोग ध्यान से भी सुनो, अभी बहुत आदमी इधर काम करते विजिट वीजा में या कुछ में भी, और जो कंपनी में लोग काम करते या रेस्टोरेंट हो या कंपनी हो या कुछ भी, इन लोग क्या करते, क्यों इन लोग को ज्यादा ज्यादा यकीन दिलाते, इन लोग जब काम करते हैं लोग पगार भी देते हैं, लेकिन जब वीजा का टाइम आता है इन लोग बोलते कल परसों एक हफ्ता दो हफ्ता, ये क्या मतलब है? ये नहीं मानते वीजा देगा आपको, ये मानते तुमको काम कराएगा विजिट वीजा में या कुछ वीजा में, क्यों? तुम्हारा पास कुछ हक नहीं होते उन लोग से पूछने का। एक आदमी को हम बोला तुम क्यों काम किया, क्यों भरोसा किया, हमको बोलते मोहम्मद भाई ये हमको पगार देता था। हम बोला अच्छा पगार देगा लेकिन वीजा नहीं देगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग पहला कौन सा कंपनी हो, कौन सा दुकान हो, कौन सा क्या भी हो, पहला तुम लोग वीजा मांगो फिर पगार, क्योंकि वीजा तुम लोग को बचाएगा पगार नहीं, ये याद रखो। पहला वीजा मांगो, हमको वीजा दियो फिर हम काम करेगा।
क्योंकि बहुत आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। भाई दुबई शेख जो है हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।